Bismillah ar Rahim, Assalamualaikum Alaikum students, today we will learn about the first type of pollution that is air pollution. Air pollution is a global crisis. Let's see why. Air pollution can be defined as the presence of toxic chemicals or compounds in the air at level that pose a health risk. एयर पोल्यूशन का मतलब है कि हमारी हवा के अंदर हार्मफुल केमिकल्स या डिफरेंट हार्मफुल गैसेस की मौजूदगी जो कि हमारी हेल्थ के लिए एक रिस्क है प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल गैसेस इन एयर विच डैमेज द क्वालिटी ऑफ एयर एंड कॉज डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स इज रेफर टू एज एयर पोल्यूशन लेट्स अंडरस्टैंड द एयर पोल्यूशन बाय दिस फिना The atmosphere is composed of different gases which envelop our earth. This envelope of gases is known as ozone layer. Ozone layer protects us from harmful portion of incoming solar radiation and also keeps the thermal balance of our planet which is essential for survival of life. Student, Hamare earth ke surround ek atmosphere hai. एक लेयर है ये एटमॉस्फेयर ही अर्थ को एक फेवरेबल प्लेस बनाता है रहने के लिए ज़िंदगी के लिए और स्टूडेंट ओज़ोन की जो लेयर है वो हमें बचाती है अल्ट्रा वायल्ट रेस से सूरज की जो अल्ट्रा वायल्ट हैं वो हम तक पहुंचने नहीं देता उस तनासब से जिस तनासब से वो आ रही हैं क्योंकि अगर ओजोन की लेयर ना हो तो अल्ट्रा रेज डायरेक्ट आएंगी और वो स्किन को जला सकती हैं वो डैमेज कर सकती हैं और ओज़ोन लेयर के ख़राब होने की वजह से ही जो है वो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो रही है सो स्टूडेंट्स दिस लेयर इज़ प्रोटेक्टिंग आस फ्राम हार्मफुल गैसेज बट ऑल द हार्मफुल गैसेज दैट रिलीज़ इन टू द एटमोसफियर इज़ डैमेजिंग द ओजोन लेयर The natural and human interventions, means natural and human activities, are considered responsible for increasing the level of harmful gases, dust, smoke, water vapors, chemical compounds, and impacts of ultraviolet radiation. Students, there are some natural sources of air pollution, and some is man made, or you can say caused by human activities smoke from volcanoes smoke from dust storms and smoke from forest fires all these are natural sources of air pollutants which pollute our air and then emission of harmful gases from factories from household chimneys and from vehicles pollute our air and this these are also the sources of air pollutant causes of air pollution students now we will learn about the sources or pollutant that pollute our air and damage the quality of air there are two major sources of air pollution or you can say major two major pollutants of air pollution first one is natural and second one is manufactured or you can say caused by human activities

सेकेंड वन इज़ वाइल्ड फॉरेस्ट फायर स्टूडेंट्स वैन यू नो स्टूडेंट यू नो दैट वैन देयर इज़ फॉरेस्ट फायर दिस ऑल्सो रिलीज डिफरेंट हार्मफुल gases एंड स्मोक इन आवर environment दैट पोल्यूट आवर एयर जब आग लगती है जंगलात में तो बहुत ज़्यादा दा, धुआं जो है वो हमारी हवा में शामिल हो जाता है और बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी जा जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड ये भी इन्वायरमेंट के अंदर शामिल होकर इन्वायरमेंट को खराब करती हैं एयर की क्वालिटी को ख़राब करती हैं और एयर पोल्यूशन का बायस बनती हैं डस्ट स्टॉम्स स्टूडेंट्स जब तूफान आते हैं तो भी हवा की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मट्टी डस्ट जो है वो जो है वो हवा के अंदर शामिल होकर हवा को पोल्यूट कर देती है स्टूडेंट्स नाउ वी विल लर्न अबाउट पोल्यूटेंट दैट इज़ मैन मेड फर्स्ट वन इज़ अनपलैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टूडेंट्स यू ऑल आर वेल अवेयर दैट वी हैव सो मैनी इंडस्ट्रीज अराउंड अस एंड वेन दीज इंडस्ट्रीज वर्क दे रिलीज़ हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन डाईऑक्साइड एंड सल्फ्रिक ऑक्साइड इन दी इन्वायरमेंट जब ये इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं तो बहुत सारी जो हार्मफुल गैसेज हैं वो अमिट होती हैं एयर के अंदर और हवा की क्वालिटी को ख़राब करती हैं और ये गैसेज एटमोसफेयर के अंदर शामिल होकर ओजोन की लेयर को भी डैमेज करती हैं द सेकेंड वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन स्टूडेंट्स ऑल द हार्मफुल गैसेज दैट एमिट थ्रू वहीकल्स लाइक एरोप्लेन्स बाइक्स कार्स जितनी भी हम वहीकल्स जो हैं यूज़ करते हैं उनसे धुआं निकलता है और हार्मफुल गैसेस लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो एयर के अंदर शामिल होकर एयर को पोल्यूट करती है और हम हमारी एयर जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है कि हम सांस भी हमारा लेना मुश्किल हो जाता है इस हार्म इन हार्मफुल गैसेस की वजह से देन द नेक्स्ट वन इज़ अनसेफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल स्टूडेंट्स वैन वी बर्न द ट्रैश इट ऑल्सो रिलीज स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज इन दी इन्वायॉयरमेंट जब भी हम कूड़े को आग लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज जो हैं वो हमारे इन्वामेंट में शामिल होती हैं और हमारी एयर को पोल्यूट करती हैं deforestation the next one is deforestation students trees act as the earth's purification system it absorbs carbon dioxide and release oxygen cutting down trees not only release carbon dioxide but also prevent forest from purifying our air and this carbon dioxide रिलीज़ इंटू द एटमोसफेयर एंड ट्रैप सन रेज दैट ऑल्सो कॉज ग्लोबल वार्मिंग द नेक्स्ट वन इज इनएफिशेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस एग्रीकल्चरल में हमारी जो इनएफिशेंट प्रैक्टिस हैं ओल्ड मैथड्स हम यूज़ कर रहे हैं या हम ठीक मैथड्स जो हैं वो यूज़ नहीं कर रहे उनकी वजह से भी एयर पोल्यूट होती है लाइक वेन वी यूज डिफरेंट मशीनरी इट ऑल्सो बर्न फ्यूल्स लाइक ऑयल so it also release certain amount of harmful gases into the environment. second one is when we burn the field. जब हम फसल को काटने के बाद उसको आग लगा देते हैं जलाने के लिए ताकि हम उसको आसानी से जो है उस पर नैक्स्ट जो है फसल जो है वो ग्रो कर सकें बीज जो है वो हम उगा सकें ने नैक्स्ट क्रॉप के लिए तो स्टूडेंट्स जब हम आग लगाते हैं इन फसलों को तो भी बहुत सारा धुआं और हार्मफुल गैसेस जो हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज होती हैं और एयर को पोल्यूट करती हैं मैरिन ट्रैफिक इज ऑल्सो कॉज ऑफ़ एयर पोल्यूशन मैरिन ट्रैफिक मीन्स शिप्स स्टूडेंट्स यू ऑल नो दैट वी यूज शिप्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन फॉर ट्रेड एंड फॉर आवर एक्टिविटीज हम एक जगह जगह से दूसरी जगह जाने के लिए शिप्स भी यूज़ करते हैं और बहुत सारी जो हमारी तिजारत है ट्रेड है वो शिप्स के थ्रू होती है एंड दीज शिप्स बर्न सर्टन अमाउंट ऑफ़ फ्यूल लाइक यू कैन से दे बर्न कोल फॉर रनिंग और दे बर्न ऑयल फॉर रनिंग तो जब वो ये फ्यूल बर्न करते हैं इस शिप को चलाने के लिए तो जब फ्यूल बर्न होता है तो स्टूडेंट्स हार्मफुल गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड ये इन्वायमेंट के अंदर रिलीज होती हैं और एयर की क्वालिटी को ख़राब करती हैं दैट्स वाई मैरिन ट्रैफिक इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन ऑल दीज नेचुरल और मैन मेड पल्यूटन्स पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट एंड मेक हार्ड फॉर अस टू ब्रीथ इन दी एयर बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू ब्रीथ इन पोल्यूटेड एयर एंड इट ऑल्सो कॉज इट ऑल्सो badly affect our health so that's why air pollution is a global crisis the humanity is facing different problems as a result of air pollution we will learn that what are the effects of air pollution on environment and on human life the first effect of air pollution is acid rains स्टूडेंट्स वन एसिडिक गैसेस रिलीज इनटू टू द एटमोसफियर दिज गैसेज कैरिड अपवर्ड बाई द विड एंड देन इट कंबाइन विद वाटर ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म एसिड रेन स्टूडेंट्स जब डिफरेंट गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फरिक ऑक्साइड ये रिलीज होती हैं वहीकल से फैक्ट्रीज से तो ये हवा में शामिल हो जाती हैं हवा इनको अपने साथ ऊपर ले जाती है और ये जो है वाटर ड्रॉपलेट्स में जब चेंज होती है हवा और बादल में शामिल होती है तो ये एसिड के में जो है फॉर्म हो जाती है तेज़ाब की शक्ल इख्तियार कर लेती है क्योंकि केमिकल्स जब हवा के अंदर शामिल होंगे या पानी के अंदर शामिल हो जाते हैं केमिकल्स तो वो एसिड बन जाते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं सो स्टूडेंट जब बारिश होगी तो इसको हम एसिड रेन कहेंगे क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स में ये सारी गैसेस जो हैं वो शामिल हो जाएंगी एंड एसिड रेन डिस्ट्रॉयस प्लान्स

एयर पोल्यूशन स्टूडेंट एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर दैट हार्मफुल गैसेज रिलीज इन टू दी एटमोसफियर ये एटमोसफियर के अंदर जाकर शामिल हो जाती है और uh, हैं और ये जो डिफरेंट गैसेज हैं ये ओजोन की लेयर को डैमेज करती हैं जो पतली सी लेयर है हमारे अर्थ के सराउंड इसको ख़राब करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रैप करती है सन लाइट को सूरज की शुआओं को जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है सो बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन अ होल इन दी ओजोन लेयर हैज़ अपीयर्ड ओवर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स और इसी की वजह से अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जैसे जैसे ये ओजोन की लेयर डिप्लीट होती जाएगी होल बड़ा होता जाएगा तो हमारे लिए स्टूडेंट्स ज़्यादा बड़ा ये ख़तरा बनता जाएगा ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती जाएगी और अगर ये ओज़ोन लेयर डैमेज हो गई तो अल्ट्रा वायल्ट रेज डायरेक्ट आएंगी और ये हमें जला भी सकती हैं और हमारा ज़मीन पर रहना मुश्किल हो जाएगा दैट्स वाई एयर पोल्यूशन इज़ अ बिगर थ्रेट फॉर आवर ह्यूमैनिटी it also imposes serious threat to our health also minor health issues to major health issues uh, also causing by air pollution first of all we will see short-term effects or you can say minor health issues these includes headaches nose throat and eyes inflammation coughing or you can say different type of skin allergies and infection caused by air pollution पोल्यूशन स्टूडेंट जिस हवा में हमने सांस लेनी है जब वो हवा ही साफ़ नहीं होगी तो हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा और सबसे ज़्यादा हमारी हेल्थ पर इफेक्ट एयर पोल्यूशन से होता है क्योंकि हमने हवा में सांस लेना है सबसे पहले हमारा गला नाक हमारा ख़राब हो जाएगा उसमें इन्फेक्शन हो सकता है आइज़ इन्फेक्शन हो सकता है स्किन एलर्जीज हो सकती हैं हेडेक हो सकता है आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है और आपको खांसी भी हो सकती है एयर पोल्यूशन की वजह से देन वी विल मूविंग फॉरवर्ड टू द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन दिज ऑल्सो कॉज्ड मेजर हेल्थ इश्यूज फॉर लॉन्गर टर्म्स इट अफेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट अफेक्ट इट ऑल्सो कॉज कॉर्डियोवस्कुलर डिजीजेज़ मीन्स हार्ट डिजीज besides this the prevalence of different cancer liver kidney and lungs problem are also the sign of deteriorating air quality students different heart problems lungs kidney liver issues और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर जो हैं वो भी एयर पोल्यूशन की वजह से हमें हो सकते हैं अस्थमा हमें हो सकता है जो कि एक लॉन्ग टर्म है आपको एक दफ़ा अस्थमा हो जाए तो वो सारी ज़िंदगी आपके साथ जाता है सो दैट्स वाई एयर पोल्यूशन इज़ बैडली इफेक्टिंग आवर हेल्थ शॉर्ट टर्म इफेक्ट इट ऑल्सो हैज़ शॉर्ट टर्म इफेक्ट एंड इट ऑल्सो हैज़ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स स्टूडेंट्स नाउ यू आर वेल अवेयर अबाउट एयर पोल्यूशन And now you are well aware that why air pollution is a global crisis.